Hello friends, welcome to my channel. Cool. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise of chapter number 3 from testing to digesting, subject environmental studies, standard 5th. Question number 1 is, Julan's mouth started watering when she heard the word Imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat. एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट. जूलन जो है वो इमली का नाम सुनती है तब उसके मुंह में पानी आता है. आपके मुंह में पानी कब आता है? और आपको 5 चीज़ें बतानी है जो आपको खाना पसंद है एंड उसका टेस्ट भी बताना है. आंसर इज, व्हेन आई सी वन ऑफ माय फेवरेट फूड माय माउथ वाटर्स. फॉलोइंग आर द थिंग्स व्हिच आई लाइक टू ईट. Things are given and tests are given. जब मैं अपनी फेवरेट चीज़ें देखती हूँ तो मेरे मुँह में पानी आता है. Things like समोसा जो सॉल्टी एंड स्पाइसी होते हैं, पिकल विच इज़ सॉर एंड सॉल्टी, जलेबी उसका टेस्ट स्वीट होता है, चॉकलेट्स स्वीट होता है टेस्ट, एंड आइसक्रीम उसका टेस्ट भी स्वीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको एक ही टाइप का टेस्ट पसंद है? अगर खट्टा ही है तो सिर्फ खट्टा खाना अच्छा लगता है या सिर्फ मीठा खाना अच्छा लगता है? Yes or no? And जो भी आंसर है उसका रीज़न भी बताना है. Answer is, I like different kinds of taste. Only one taste can be boring. मुझे अलग अलग टाइप का खाना पसंद है क्योंकि एक ही टेस्ट का खाना जो है ना वो बोरिंग लगता है. होता है कई बार हम वैरायटी ऑफ डिशेस चाहते हैं खाने के लिए क्योंकि एक ही खाना पसंद नहीं होता डेली. क्वेश्चन नंबर 3 इज, जूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ. डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स. जूलन जो है ना उसने जुम्पा के मुँह में लेमन जूस के कुछ ही ड्रॉप्स रखे, तो क्या ये सिर्फ कुछ ड्रॉप्स रखने से भी उसका टेस्ट पता चलता है? आंसर इज यस, अ फ्यू ड्रॉप्स और ऑफ सॉर थिंग्स आर इनफ टू मेक आउट द टेस्ट. हाँ, अगर कोई खट्टी चीज़ है ना तो उसके सिर्फ कुछ ही बूंद कुछ ही ड्रॉप्स हमारे मुंह में रखे तो भी हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ दैट इज एनी सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ. अगर कोई आपके मुंह के अंदर सौंफ रखे टंग के ऊपर तो क्या आपकी अगर आंखें बंद है आपको नहीं पता क्या रखा है, बट वो मुंह में रखते ही आपको क्या पता चलेगा कि ये सौंफ है? और अगर पता चलता भी है तो कैसे चलता है? Answer is, yes, we can recognize something by taste and smell also. हाँ, कहीं सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम टेस्ट से या तो उनकी स्मेल से ही बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो मुंह में रखी. Next question is, how did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or testing them? What are these things? जुम्पा जो है उसने फ्राइड फिश कैसे बनाई, और क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिनके सिर्फ स्मेल से ही हमें पता चल जाए, उसका टेस्ट ना करें तो भी हमें पता चल जाए कि ये कौन सी चीज़ है, और हमें ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं. जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल. जुम्पा को कैसे पता चला? सिर्फ उसकी स्मेल से. Yes, I can guess many things only by their smell. For example, I can guess fish, omelette, samosa, pakodi, etc. by their smell. हाँ, बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसकी स्मेल से ही हमें पता चलता है टेस्ट किए बिना ही कि यह कौन सी चीज़ है. जैसे समोसा, पकौड़ी, इवन कुछ नॉनवेज भी होते हैं आइटम्स जैसे कि फिश है, ऑमलेट है, उनकी भी स्मेल से ही पता चल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर
taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या आपको कभी किसी ने बोला है कि दवाई खाते टाइम नाक जो है ना वो बंद कर ले दवाई खाने से पहले? और अगर बोला है तो ऐसा क्यों बोला होगा? क्या लगता है रीज़न क्या होना चाहिए? आंसर इज सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ अ फूड. इन केस ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग द नोज विल समवॉट मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिसिन. दिस मे बी द रीज़न वाई वी आर टोल्ड टू क्लोज अवर नोज वाइल टेकिंग अ मेडिसिन. कोई भी चीज़ का कंप्लीट अगर टेस्ट लेना है ना किसी भी फूड आइटम का, तो उसकी जो स्मेल है ना वो भी हेल्प करता है. अगर मेडिसिन लेते हैं उस टाइम पे अगर हम नोज़ जो है ना वो क्लोज़ कर दें तो मेडिसिन का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा कम आएगा, वो मास्क हो जाता है क्योंकि हमारा नोज़ जो है वो बंद है तो स्मेल नहीं आती है. तो ये रीज़न हो सकता है कि मेडिसिन लेते टाइम हम अपना अगर नोज़ क्लोज़ कर देंगे तो हमें स्मेल ही नहीं पता है, तो टेस्ट जो है वो उतना कड़वा बिटर नहीं लगेगा. क्वेश्चन नंबर 7 इज कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट. प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड जुलन डिड. टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क. आपको ना कुछ फूड आइटम्स लेनी है अलग अलग टाइप की, और जैसे जुम्पा एंड जुलन ने गेम खेली थी वैसे आपको भी करना है. फूड के साथ कुछ गेम प्ले करनी है और क्या पूछना है अपने फ्रेंड्स को. लेट्स सी हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम. आपको अपने फ्रेंड के मुंह में ना कोई खाने की चीज़ रखनी है, उसकी आइज क्लोज होनी चाहिए, और आपको उसको पूछना है कि टेस्ट कैसा लगा और कौन सी चीज़ थी. आंसर द टेस्ट वॉज स्वीट, द फूड आइटम वॉज शुगर. सपोज़ आपने शुगर रखी है मुंह में, अगर फ्रेंड के मुंह में शुगर रखी है तो टेस्ट स्वीट होगा और पता चल जाएगा कि ये शुगर है. अगर कोई अलग चीज़ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट पता चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट एड्स. इन फ्रंट, एट बैक, ऑन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग. जो टेस्ट है ना किसी भी चीज़ का वो कौन सी साइड ज़्यादा आता है, फ्रंट साइड, बैक साइड या लेफ्ट, राइट या टॉप के ऊपर? आंसर इज इन फ्रंट साइड, अज्यूमिंग द शुगर वॉज गिवन. हम आगे अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करेंगे कि टंग के ऊपर टेस्ट बड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और वहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा फील होता है. अगर शुगर रखी है तो फ्रंट साइड पे टेस्ट ज़्यादा आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द टंग. मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन. टंग के ऊपर कौन से पार्ट में जो है वो टेस्ट कौन सा आता है वो हमें पिक्चर में बताना है. आंसर इज आप देख सकते हो इस पोर्शन के ऊपर बिटर ज़्यादा आएगा, शुगर का है वो टॉप के ऊपर फ्रंट के ऊपर आएगा, सोल्टी जो टेस्ट है वो साइड में आता है, एंड स्वीट जो टेस्ट है वो फ्रंट पे आएगा. हियर यू कैन सी यहाँ पे फ्रंट पे स्वीट आता है, पीछे की साइड यहाँ पे सोल्टी आता है, इस पोर्शन के अंदर सॉल्ट टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट, और पीछे की साइड यहाँ पे बीटर टेस्ट आता है. क्वेश्चन नंबर 9, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ. अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ. डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर. अब हमें कुछ खाने की चीज़ें लेनी है, अपने मुंह में रखनी है, जैसे कि टंग के नीचे या तो लिप्स के ऊपर या तो माउथ के रूफ के ऊपर, और हमें देखना है कि कुछ टेस्ट आता है. आंसर इज नो, वी वुड नॉट गेट एनी टेस्ट इन अदर पोर्शन ऑफ माउथ लाइक अंडर द टंग, ऑन द लिप्स और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ. दिस इज बिकॉज दिस पार्ट्स डू नॉट हैव एनी टेस्ट बड्स. नहीं, हमें अगर लिप्स के ऊपर कुछ फूड रखे या टंग के नीचे रखेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इन सारे जितने भी पार्ट्स हैं माउथ के उन सब में टेस्ट बड्स नहीं होते,
टेस्ट बर्ड्स जो है वो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें वहाँ पे टेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन। हमें क्या करना है, एक क्लीन क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है एक साफ, और फिर अपनी टंग जो है ना उससे उसका फ्रंट पार्ट जो है वो क्लीन ऐसे करना है कि वो पूरी ड्राई हो जाए। फिर मुंह में शुगर या जेगरी रखना है, यानी कि शक्कर या तो गुड़ रखना है, और उसको टेस्ट करना है। हमें टेस्ट आता है या नहीं आता है वो देखना है और रीज़न भी बताना है। आंसर इज़ नो, आई कुड नॉट टेस्ट अ थिंग, इट इज़ बिकॉज देर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग। वेन द फूड मिक्सिस विद सलाइवा देन ओनली वी गेट इट्स टेस्ट। नहीं, हमें कुछ टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, टंग को ड्राई किया है, सो वहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट नहीं है। सलाइवा जो है वो जब फूड के साथ मिक्स होता है तभी हमें फूड का जो है वो टेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्स ऑन द सरफेस। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और अपनी जो टंग है ना उसको अच्छे से नियर बाय आपको ऑब्जर्व करना है। आपको सरफेस कैसी दिखती है वो देखना है, और क्या टंग के ऊपर टाइनी बम्स दिखते हैं सरफेस के ऊपर। आंसर इज द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ, यस आई कैन सी मैनी टाइनी बम्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग। अगर आप सरफेस देखोगे टंग की एकदम से नज़दीक से तो वो रफ दिखेगी, और हाँ उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी बम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आमला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। आपको अगर कोई पूछेगी आमला या कुकुम्बर कैसे टेस्ट के होते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर कोई पूछे टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है या ऑनियन का कैसा होता है या सौंफ का या गार्लिक का टेस्ट कैसा होता है तो आप क्या बताओगे। इन सब के बारे में आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि उसका टेस्ट कैसा होता है। आंसर इज फूड एंड टेस्ट। टोमेटो का अगर कोई टेस्ट पूछे स्वीट एंड सोर एंड जूसी, इसका टेस्ट स्वीट और एंड जूसी होता है। ऑनियन जो है वो पंजेंट होता है टेस्ट, बिकॉज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका टेस्ट होता है। सौंफ जो है वो स्वीट विथ नाइस स्मेल, एंड गार्लिक बीटर विथ पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड शी, वॉट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। जुम्पा ने जब कुछ टेस्ट किया ना तब ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ निकाली, ऐसा कुछ बोला, तो आप क्या सोचते हो उसने क्या खाया होगा। ऑब्वियसली यू नो द आंसर, शी मे हैव ईटन चिल्ली, शायद उसने ना मिर्ची खा ली होगी, तीखा लगा होगा तब भी ऐसी कुछ आवाज़ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। आपको अभी एक एक्टिविटी करनी है जस्ट कि साउंड से या तो एक्सप्रेशन से आपके फ्रेंड को पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो। आंसर इज इफ इट्स यम देन ऑब्वियसली कुछ स्वीट आइटम होगी, स्वीट आइटम लाइक आइसक्रीम, जलेबी एट्सेट्रा। इट्स इट्स लव देन नूडल्स,
प्रोड्यूस ऑफ खीर इफ इट्स टक टक देन सोर थिंग्स लाइक द पिकल. क्वेश्चन नंबर 15 इज चू इट और चू इट वेल. ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास. ईच ऑफ यू मेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. पुट इट इन योर माउथ. चू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट. आपको अभी एक एक्टिविटी करनी है कि आपको ब्रेड रोटी या तो चावल लेने हैं पके हुए, फिर उनको मुंह में रख के ना 3-4 बार चबाना है और निगलना है. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट. कि आपने जब उसको चबाया तब उसका टेस्ट चेंज हुआ. आंसर इज नॉट मच. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम. ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट लगा. बी इज नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 20 to 25 टाइम्स. वॉज देर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स. अब आपको दूसरा एक पीस लेना है, या तो राइस लेने हैं या तो रोटी लेनी है, एंड उसको ना 20 to 25 टाइम्स तक च्यू करना है, अच्छे से चबाना है. फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि टेस्ट में कुछ चेंज आया. आंसर इज यस देर इज़ अ चेंज इन टेस्ट. हाँ, टेस्ट में चेंज आया. द फूड बिगिन टू टेस्ट स्वीट. खाना जो है ना वो स्वीट लगने लगा, क्योंकि सलाइवा जो है ना वो मिक्स हुआ फूड के साथ, और जब च्यू करते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड चू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली. व्हाई डू यू थिंक दिस इज दिस. क्या आपको जब आप खाना खाने बैठते हो ना तो घर पे कोई बोलता है कि धीरे खाओ, अच्छे से चबा के खाओ तो डाइजेस्ट प्रॉपर होगा, ऐसा क्यों बोलते होंगे? आंसर इज येस माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल. आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज नेसेसरी फॉर ईजियर स्वेलोइंग. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड. हाँ, जब खाना खाने बैठते हैं तब मम्मी बोलते हैं कि धीरे खाओ, चबा के खाओ, क्योंकि जो हम अच्छे से चबाएंगे तो उसको निगलना भी ईजी होगा, और अच्छे से अगर फूड च्यू करते हैं ना तो डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी ईजी होता है. नेक्स्ट इज इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा. वॉट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट. फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट. थिंक वॉट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू. आप इमेजिन करो कि आप ना ग्रीन गुआवा अमरूद जो है वो खा रहे हैं, और कुछ ऐसी कोई भी हार्ड चीज़ खा रहे हैं. आप उसको फर्स्ट टाइम बाइट करते हो तब कैसा टेस्ट आता है, और जब निगलते हो च्यू करके उस टाइम पे क्या चेंज होता है वो आपको देखना है. सलाइवा का रोल क्या है इसमें वो आपको ऑब्जर्व करना है. आंसर इज व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट समवट बिटर. आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम इट बिकम्स सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट. द सलाइवा मेक्स द सॉफ्ट फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट्स डाइजेशन. जब हम कोई भी हार्ड चीज़ जैसे कि गुआवा को हम जब अब बाइट करते हैं तब वो हार्ड होता है एंड शायद थोड़ा कड़वा जैसा टेस्ट आता है, बट जब जैसे जैसे हम उसको च्यू करते हैं तो वो सॉफ्ट बनता जाता है एंड उसका जो टेस्ट है ना वो भी स्वीट होता जाता है, क्योंकि सलाइवा जो है वो फूड को सॉफ्ट भी बनाता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू. अब आपको सोचना है कि सलाइवा हमारे माउथ के अंदर क्या करता है. सलाइवा इन आवर माउथ मेक्स फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वेलो. ऑल्सो इट हेल्प्स इन द इनिशियल डाइजेशन ऑफ द फूड इन द माउथ. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट.
इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जब निगलते हैं माउथ से तो वो कहाँ पे जाता होगा आपको एक पिक्चर दिया है उसमें आपको पाथ बताना है कि माउथ से यानी कि मुंह से खाना कहाँ पे जाएगा और फ्रेंड्स के साथ पिक्चर शेयर करके चेक करना है कि सबका आंसर सेम है आंसर इज़ आई थिंक फूड फ्रॉम माउथ गोज टू द स्टमक यस ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर पिक्चर्स फूड जो है वो माउथ में से यानी मुंह से स्टमक में जाता है ये पिक्चर है जैसे यहाँ पे पाथ दिया है कि मुंह से लेके ये स्टमक में जाएगा और ऑब्वियसली सबका आंसर सिमिलर होगा क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट आपको जब भूख लगती है ना तो कैसा फील होता है जब बहुत भूख लगती है आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कई बार हम हंसते हुए कहते हैं कि इतनी भूख लगी है ना कि आज तो एक हाथी के जितना खाना खाएंगे बट दिस इज़ जस्ट अ टेल ये कहावत है आंसर इज़ व्हेन आई एम हंग्री आई फील अनकम्फर्टेबल सेंसेशन इन माई स्टमक एंड एट दैट टाइम आई एम अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एनी वर्क और स्टडीज आई ऑल्सो फील टायर्ड एंड ड्रेन आउट ऑफ एनर्जी जब हमें भूख लगती है ना तो स्टमक में एक अलग से सेंसेशन होता है और हम उस टाइम पे किसी भी काम पे या स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और अगर बहुत भूख लगी है तो कई बार थकान सी भी महसूस होती है और बॉडी में कुछ एनर्जी ही नहीं है ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 21 इज थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज आप सोचिए कि अगर 2 दिन खाना नहीं खाया तो क्या होगा आंसर इज इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज आई विल फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड एंड इरिटेटेड आई मे इवन फॉल इल अगर 2 दिन तक खाना नहीं खाया तो काफ़ी एग्जस्टेड होते हैं इरिटेट हो जाते हैं चिड़चिड़े होते हैं थकान सी महसूस होती है और हो सकता है कि बीमार भी हो सकते हैं अगर 2 दिन खाना नहीं खाया क्वेश्चन नंबर 22 इज हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री आपको पता कैसे चला कि आपको भूख लगी है आंसर इज When I get a strong urge to eat something, I come to know that I am hungry. जब किसी चीज़ को खाने की बहुत ही इच्छा होती है तब पता चलता है कि हमें भूख लगी है Next question is, Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए मैनेज कर सकते हैं और जो भी हम पानी पीते हैं वो कहाँ पे जाता है आंसर इज नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 डेज आई थिंक द वाटर वी ड्रिंक इज यूज्ड बाय आर बॉडी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट हम 2 दिन पानी पिए बिना नहीं चला सकते और जो भी हम पानी पीते हैं ना वो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होता है और जो भी बाकी का पानी होता है वो हमारे बॉडी के अंदर से यूरिन और स्वेट के फॉर्म के अंदर निकलता है क्वेश्चन नंबर 24 इज हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर क्या आपने ग्लूकोज लिखा हुआ कहीं पे देखा है या तो कभी ये ग्लूकोज वर्ड सुना है और अगर सुना है या लिखा हुआ देखा है तो कहाँ पे आंसर इज यस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज पाउडर वी हैव अ पैकेट ऑफ ग्लूकोज पाउडर एट आवर होम हाँ मैंने ना ग्लूकोज वर्ड सुना है और ग्लूकोज पाउडर के पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ देखा है
जो घर पे ग्लूकोज का पैकेट है उस पे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स। आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? उसका टेस्ट कैसा आता है? आंसर, यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट टेस्ट स्वीट। हाँ, मैंने ग्लूकोज टेस्ट किया है और वो मीठा लगता है, स्वीट लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको या आपके फैमिली में से किसी को ना ग्लूकोज ड्रिप यानी कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है कभी? कब और क्यों? आपको फ्रेंड्स को बताना है। आंसर इज, यस वंस माई सिस्टर हैड फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, शी कुड नॉट डाइजेस्ट एनी फूड एंड गॉट वेरी वीक, देन शी वॉज टेकन टू द डॉक्टर, द डॉक्टर सेड दैट हर स्टमक वॉज अपसेट, देन ही गेव हर द ग्लूकोज ड्रिप, ही सेड दैट इट वुड हेल्प हर टू रिकवर क्विकली। हाँ, जब मेरी सिस्टर जो है वो एक बार काफ़ी बीमार हो गई थी, उसको ना वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस हुए थे, उसको फूड डाइजेस्ट नहीं होता था उसके स्टमक के अंदर और काफ़ी वो वीक हो चुकी थी, इसीलिए जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका जो स्टमक है वो अपसेट है, इसीलिए इसको ना उसको ग्लूकोज की ड्रिप दी गई क्योंकि उससे रिकवरी फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? नीतू की जो टीचर है ना वो उनको बोलती है कि हॉकी जब खेलते हो तब आपको ग्लूकोज पीना चाहिए, ऐसा वो क्यों कहते होंगे टीचर? आंसर इज, व्हेन वी प्ले वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेटिंग विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ड्यू टू दिस वी लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी बाय रिप्लेनिशिंग द लॉस्ट वाटर एंड शुगर, दैट इज़ व्हाई नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल दे वर प्लेइंग हॉकी। जब हम कुछ गेम खेलते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, तब बहुत सारा पसीना होता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर से वाटर, शुगर एंड सॉल्ट जो है ना वो लूज होते हैं, वो बॉडी से जाते हैं स्वेट के साथ, और अगर इस ये ऐसा कंटिन्यू होता रहा तो बहुत सारी एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर से जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। ग्लूकोज जो है ना वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जो भी हम हमारे बॉडी के अंदर से पानी और शुगर की कमी हुई है फिजिकल एक्सरसाइज से वो पूरी कर देगा, इसीलिए नीतू की टीचर जो है वो उनको बोलती है कि जब भी आप हॉकी खेलते हो तब सबको ग्लूकोज पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। अब आपको एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को देख के बताना है कि नीतू को ये ग्लूकोज की ड्रिप क्यों दी गई होगी। द पिक्चर शोज दैट ग्लूकोज ड्रिप इज बीइंग गिवन टू नीतू, द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज टेकन इन अ बोटल विच इज हैंगिंग इन अ स्टैंड, फ्रॉम हियर ग्लूकोज इज बीइंग इंजेक्टेड इन टू नीतूज बॉडी ड्रॉप बाई ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब एंड अ नीडल। पिक्चर में आप देख सकते हो कि नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप दी जा रही है क्योंकि नीतू जो है वो बीमार है। अगर ऐसे ग्लूकोज क्या किया, ग्लूकोज को बोतल में लिया है और नीडल और ट्यूब की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज जो है वो उसके बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे उसको इंस्टेंट एनर्जी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमोंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ स्टमक, राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। अगर आप डॉक्टर ब्यूमोंट की जगह होते तो आप क्या करते और स्टमक के जो भी मतलब सीक्रेट्स है वो कैसे पता करते? आपको अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो शेयर करना है। इफ़
आई वेर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमोन आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट्स विद चपाती कुकुम्बर एंड खिचड़ी आई वुड हैव टेकन आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम मार्टिन स्टमक एंड एडेड इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ दिस जूसेस इन इक्वल क्वान्टिटीज ऑफ थ्री फूड्स टेकन आई वुड हैव चेक्ड फॉर द टाइम इट टूक टू डाइजेस्ट ईच फूड अगर डॉक्टर ब्यूमोन की जगह मैं होती तो मैं क्या करती चपाती कुकुम्बर और खिचड़ी जो है वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेती फिर मार्टिन के स्टमक से डाइजेस्टिव जूस कुछ लेती और जो भी डाइजेस्टिव जूस लेती उसको भी थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करके वो तीनों डिफरेंट फूड के अंदर ऐड कर देती फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने सबसे पहले इसमें से कौन से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और कितना टाइम लगता है हर एक फूड को डाइजेस्ट होने में सो, हमें पता चलेगा कि कौन सा फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए इजी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड प्रॉपर फूड का मीनिंग क्या होता है आंसर इज प्रॉपर फूड इज वन विच कंटेन्स एडक्वेट अमाउंट ऑफ फूड विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन प्रॉपर फूड का मीनिंग होता है कि हमें ना सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फूड खाना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए कि जिसमें से हमारे बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अच्छे से मिल पाए इसीलिए शायद हो सकता है कि आपको भी घर पे पेरेंट्स बोलते हो कि हर एक टाइप के फूड खाओ हर एक टाइप के वेजिटेबल्स खाने चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर आपको ना एक एक्टिविटी दी गई थी बुक के अंदर ये उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है आंसर इज रश्मि इज नॉट गेटिंग इनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी वेयर एज कैलाश इज मोर डिपेंडेंट ऑन जंक फूड विच हैज़ नो न्यूट्रिशियस वैल्यूज रश्मि जो है ना वह पुअर फैमिली से है सो, उसको ना इनफ फूड ही नहीं मिलता प्रॉपर खाना ही नहीं मिलता गरीबी की वजह से बट कैलाश जो है ना वो जंक फूड ज़्यादा खाती है और जंक फूड के अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ नहीं होते जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं होते इसीलिए रश्मि एंड कैलाश दोनों का फूड प्रॉपर नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो एनी चाइल्ड वो डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे वॉट आर द रीजन्स फॉर दिस आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में पता है कि जिनको पूरे दिन में ना सफिशेंट खाना भी नहीं मिलता इनफ खाना भी नहीं मिलता रीज़न भी बताना है कि रीजन्स क्या हो सकते हैं आंसर इज येस आई नो सम चिल्ड्रन वो डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज वो लिव इन अ नियर बाई स्लम दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अ प्रॉपर मील इन अ डे हाँ मुझे कुछ ऐसे बच्चों के बारे में पता है जिनको दिन का पूरा खाना भी नहीं मिलता क्योंकि ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये स्लम एरिया के अंदर रहते हैं ये इतने गरीब होते हैं कि इनको ना एक दिन का प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वेर ऑफ योर एज नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ योर डेली एक्टिविटीज एंड डेली डाइट आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट आपको ना अपने दादाजी से या तो किसी भी बड़ों से पूछना है कि वो क्या खाते थे और क्या काम करते थे जब आपकी उम्र के थे अब हमारी एक आपको खुद की एक्टिविटीज़ और खुद की डेली की डाइट देखनी है फिर दोनों सेम है या डिफरेंट है ये आपको कंपेयर करना है आपकी लाइफस्टाइल और आपके दादाजी की लाइफस्टाइल से आंसर इज माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू ईट दाल राइस ग्रीन वेजिटेबल्स रोटी मिल्क एंड फ्रूट्स They used to do a lot more physical activities and hard work than what we do today.
दे यूज टू गो टू स्कूल माइल्स अवे फ्रॉम देयर होम बाई साइकिलिंग और वॉकिंग। दादाजी जो थे वो दाल, राइस या ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी, मिल्क, फ्रूट्स ये सब खाते थे जो हेल्दी खाना है। इवन वो काफ़ी सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे हमारे कंपैरेटिवली। उनके स्कूल्स भी काफ़ी दूर होते थे तो वो चल के या तो साइकिल के ऊपर जाते थे। इवन अपने दे ऑल्सो हेल्प टू देयर पेरेंट्स इन देयर डेली वर्क लाइफ लाइक वर्किंग इन फील्ड, किचन, टेकिंग केयर ऑफ कैटल्स एट्सेट्रा। बट टूडे आवर डेली एक्टिविटीज एंड डाइट आर फार डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को भी डेली वर्क में काफ़ी हेल्प करते थे, जैसे किचन में हेल्प करेंगे, खेत के काम में हेल्प करते थे और कैटल्स जो रखते थे वो उनके भी केयर करते थे। बट अगर हमारी लाइफ स्टाइल देखो तो उनसे काफ़ी डिफरेंट है। वी डू ईट राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स बट वी ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ जंक फूड लाइक चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। वी डू वेरी लेस फिजिकल वर्क, वी गो टू स्कूल बाई बस, वी प्रिफर सिटिंग ऑन सोफा एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन्स। हम भी दाल, चावल, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं बट हम साथ में जंक फूड भी काफ़ी सारा खाते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और हम काफ़ी कम फिजिकल वर्क करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखें तो हम सोफे पे बैठ के या तो टीवी देखते हो आप लोग या मोबाइल में गेम खेलते हो, कुछ इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। इवन स्कूल भी बस से या तो रिक्शा से जाते हो, कहीं पर भी फिजिकल उतनी एक्टिविटीज़ करनी नहीं पड़ती है। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस, दोनों की लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रीन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। क्या आपने ऐसा कोई गोडाउन देखा है जहाँ पे बहुत सारा खाना स्टोर करके रखा हो, बहुत सारे सॉरी ग्रेन स्टोर करके रखे हो? आंसर इज यस, आई हैव सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड। इट इज़ इन द नियर बाय अनाज मंडी। हाँ, गोडाउन के अंदर बहुत सारा ग्रेन स्टोर किया हुआ देखा है नियर बाय अनाज मंडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड। जब हमें कोल्ड हुआ होता है, सर्दी है, तो हम जुकाम के टाइम पे क्यों खाने का टेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाते हैं? आंसर इज वी आर नॉट एबल टू टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड बिकॉज द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर वेरी closely connected and help us in getting the complete taste of a food. Since our nose gets blocked when we have cold, so we are not able to smell and taste food properly. हमें जब कोल्ड हुआ होता है ना, तब हमें टेस्ट अच्छे से नहीं आता फूड का, क्योंकि हमारा जो नोज है ना वो ब्लॉक होता है और सेंस ऑफ स्मेल का और टेस्ट का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। अगर नोज़ ब्लॉक है तो हम अच्छे से स्मेल नहीं कर पाते हैं फूड को, इसीलिए हमें उसका टेस्ट भी प्रॉपर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी वेर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? राइट, अगर हम ऐसा बोले कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है ना वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये कैसे होता है ये आपको बताना है। Answer is, it is said that digestion starts in the mouth because the saliva contains digestive enzymes. These enzymes helps in the digestion of the sugars by breaking them into simpler molecules. Thus, we can say that digestion begins in the mouth. हम जो भी खाना खाते हैं ना, उस टाइम पे वो माउथ के अंदर सलाइवा जो है वो मिक्स होना स्टार्ट होता है और सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं वो शुगर को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ब्रेक करके। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर, मुंह के अंदर ही स्टार्ट होता है। वी हैव डिस्कस्ड सॉल्यूशन ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन।
If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.